हैदराबाद से नागराज का सवाल लेंगे और पिरामल एंटरप्राइजेस में उन्होंने खरीदारी कर रखी है। विकास जी, इनका जो बाइंग लेवल है वो 2341 का है। इन्होंने ऊंचे भाव पे पोजीशन बना रखी है, घाटे में भी है फिलहाल 50 रुपए के आसपास प्रति शेयर। तो अब इस तरह के स्टॉक में अब कितना लंबा और नजरिया रखना चाहिए? नहीं बिल्कुल कविता, देखिए स्टॉक अच्छा है बट हाल ही में हमने देखा अपने हाइट से काफी गिरावट हुई है इस स्टॉक में, जो कि इन लाइन विथ अदर स्टॉक्स इन द एनबीएफसी या हाउसिंग फाइनेंस स्पेस में है, जो कि लिक्विडिटी की क्राइसिस हुई थी आईएलएफएस के फियास्को के बाद। उसके बाद से हमने देखा इन सब स्टॉक्स की पिटाई हुई थी और उसके बाद हालांकि निवेशक ने एक अच्छे लेवल पे इस स्टॉक को खरीदा है, वहां से थोड़ा हल्का नुकसान हो रहा है। बट मुझे लगता है अगर ये 6 से 9 महीने तक इस स्टॉक में अगर बने रहेंगे तो इनके लॉस की बिल्कुल भरपाई हो सकती है और मुझे लगता है इन द नेक्स्ट 6 to 9 months वी कुड सी लेवल्स ऑफ 2800 रुपीज ऑन द स्टॉक। 2800 तक के लेवल्स भी 6 से 9 महीने में मुमकिन है, लिहाजा आप इस स्टॉक में बने रहें, आपको यही सलाह दी जा रही है। फिलहाल थोड़ा सा घाटा हो रहा है लेकिन थोड़ा सा आपको धीरज रखना होगा। यस बैंक पे सवाल पूछना चाहते हैं गुड़गांव से अनुज अग्रवाल और 193 इनकी बाइंग प्राइस है विकास जी। अरे बिल्कुल, यस बैंक में भी देखिए हमने भारी गिरावट देखी है अपने ऊपरी लेवल से, बट इन्वेस्टर फॉर्चुनेट है कि इन्होंने एक अच्छे लेवल पे इस स्टॉक को खरीदा जहां से बहुत ज्यादा नुकसान नहीं है इनको। बट जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं उनको देखते हुए मुझे लगता है इस स्टॉक में बने रह सकते हैं। इन्होंने अब बैंक ने हाल ही में 9 जनवरी की एक बोर्ड मीटिंग की डेट अनाउंस की है जब ये नए चेयरमैन का अलाउन, नए सीईओ का अलाउन ऐलान करेंगे, तो वो सब अगर पॉजिटिव न्यूज फ्लो आता है तो ये स्टॉक वापस से 250 तक के लेवल्स आ सकते हैं। तो मुझे लगता है इस स्टॉक में बने रहना चाहिए और आने वाले 6 से 9 महीने में मैं इस स्टॉक के प्राइस 250 रुपए तक देखता हूँ। 250 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे, आपके लेवल्स अच्छे हैं, यहाँ पर आपका ये लक है इसीलिए आपको रुकने की सलाह दी जा रही है, लेकिन नया निवेश करने से बचना चाहिए ना विकास जी, क्या कहेंगे आप? देखिए ये हाई रिस्क इन्वेस्टर या हाई रिस्क ट्रेडर्स के लिए ये स्टॉक है, थोड़ा वोलाटाइल है, बट जिस तरह से स्टॉक में अपने निचले लेवल से रिकवरी आई है और जो ये स्ट्रेंथ और मोमेंटम दिखा रहा है, मुझे लगता है आने वाले दिनों में यहाँ से तेजी बन सकती है। तो इवन एट दीज लेवल्स आई वुड रेकमेंड अ बाय ऑन द स्टॉक विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आपको इसमें ट्रेड करना होगा, लेकिन इसके अलावा निजी बैंकिंग क्षेत्र में आपकी क्या पसंद होगी? देखिए निजी बैंकिंग स्पेस में मुझे आईसीआईसीआई बैंक करंट लेवल्स पे बहुत अच्छा लगता है और इसके अलावा मुझे लगता है इवन एक्सिस बैंक को भी कंसीडर किया जा सकता है और अगर कोटक बैंक में भी गिरावट आती है, ये जो अभी चल रहा है कि इनकी जो प्रोमोटर की स्टेक सेल करनी है जिसकी डेडलाइन है 31 दिसंबर की, उस दौरान अगर ये स्टॉक नीचे आता है तो एक लंबी अवधि के निवेशक के लिए खरीदारी करने का बेहतरीन मौका होगा। चलिए, तो प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में आईसीआईसीआई, एक्सिस और कोटक महिंद्रा बैंक गिरावट पे आपको खरीदना है। बीएमएल पर सवाल पूछना चाहते हैं विशाल चौधरी और विकास जी, इनकी बाइंग लेवल 901 की है, तो फिलहाल तो ये मुनाफे में है, क्या और रुकना चाहिए? देखिए बीएमएल में भी हाल ही में हमने एक शानदार तेजी देखी है, पिछले 3-4 दिनों में बहुत अच्छी रिकवरी इस स्टॉक में देखी गई है और ये इस तरह का स्टॉक है जो इन द एंटिसिपेशन ऑफ अ गुड बजट, ये जो जितने रेलवे वाले स्टॉक्स है उनमें एक अच्छी तेजी होती है, तो मुझे लगता है यहाँ से भी और तेजी अप टू द बजट इन द मंथ ऑफ फरवरी मुझे लगता है बन सकती है। मेरा टारगेट है कि बाई फरवरी वी कुड सी लेवल्स ऑफ 1100 रुपीज ऑन द स्टॉक, सो आई वुड रिकमेंड अ होल्ड ऑन द स्टॉक। 1100 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं, तो क्या नई खरीदारी करनी चाहिए? तो बिल्कुल लगता है कि नई खरीदारी की जा सकती है बट चूंकि ये 2-3 दिनों में थोड़ा ज्यादा स्पीड से चला है तो थोड़ा करेक्शन आता है तो डेफिनेटली इसमें खरीदारी करें। मुझे लगता है कोई पॉजिटिव अनाउंसमेंट इस सेक्टर के लिए बिल्कुल आ सकती है तो उसपे ये स्टॉक यहाँ से और तेजी बिल्कुल देख सकते हैं। विकास जी, इस तरह के स्टॉक काफी सीजन स्टॉक भी होते हैं, अब बीएमएल के अलावा वो कौन से और स्टॉक से जहाँ पर बजट को एज अ टारगेट रख, टारगेट इवेंट रखकर हम निवेश कर सकते हैं या खरीदारी कर सकते हैं किसी स्टॉक में? देखिए बजट को अगर ध्यान में रखना है तो मुझे लगता है चूंकि ये इलेक्शन ईयर है, हार्डली 6 महीने बचे हैं जनरल इलेक्शंस के लिए, तो मुझे लगता है थोड़ा पॉपुलिस्ट ये बजट बिल्कुल हो सकता है जहां पे सरकार का फोकस एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट करने के लिए हो सकता है, हाउसिंग को बूस्ट करने के लिए हो सकता है, रूरल इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए हो सकता है, तो इन सब सेक्टर्स को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है उधर के जो क्वालिटी स्टॉक्स है उनमें निवेश करने की सलाह रहेगी। मुझे लगता है एग्री पे फोकस रखना चाहिए और जो रेलवे आल्सो वुड बी अ सेक्टर टू वॉच आउट फॉर, तो मुझे लगता है इन तरह के सेक्टर्स में बिल्कुल निवेश करें। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं और जम्मू से आकाश का सवाल लेते हैं, हुडको में खरीदारी कर रखी है इन्होंने विकास जी, 66 का इनका लेवल है।
देखिए कविता, थोड़े ऊंचे लेवल पे इस स्टॉक को खरीदा है, भारी नुकसान में बैठे हैं, बट मुझे लगता है करंट लेवल्स पे ये स्टॉक एक लॉन्ग टर्म और के इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छा लेवल है जहाँ पे इस स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। मुझे लगता है जिस तरह की दिक्कतों से हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर गुजरा है वो दिक्कतें अब काफी हद तक दूर हो चुकी है, और हुडको एक अच्छी कंपनी है, गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है, और इनके जो कॉस्ट ऑफ फंड्स है वो भी कम है, क्रेडिट रेटिंग अच्छी है। तो इन सबको देखते हुए इन लेवल्स पे इस स्टॉक में फ्रेश खरीदारी भी की जा सकती है, और जिन निवेशकों ने निवेश किया हुआ वो बिल्कुल बने रह सकते हैं। मुझे लगता है साल डेढ़ साल में एक अच्छे लेवल्स, अच्छे रिटर्न्स इस स्टॉक में देखे जा सकते हैं। चलिए।